तो आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको टिकटॉक आईडी को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने एक वीडियो के लिंक दे रखे हैं, उस लिंक को ओपन करना है। ओपन करते ही आपको ये पेज ओपन हो जाएगा। सिंपल आपको करना क्या है, इस पर ऑप्शन को सेलेक्ट करना है। इसके बाद आप जैसे ही ओपन सेलेक्ट कीजिएगा तो यहाँ पर आपको बहुत सारे वीडियो मिल जाएगा इस साउंड पे जो भी अपलोड किया है। सिंपल इस पर फर्स्ट वाले वीडियो पे क्लिक करना है। इस वीडियो पे शेयर पे क्लिक करेंगे, इस वीडियो को आपको सेव वीडियो कर डाउनलोड कर लेना है। इस प्रकार से वीडियो को आपको 6 से 7 वीडियो यहाँ से आपको डाउनलोड कर लेना है। तो चलो फटाफट मैं सबसे पहले वीडियो को डाउनलोड कर लेता हूँ। इस तरह से आपको 5 से 7 डाउनलोड करने के बाद आपको क्या करना है, काइन मास्टर अप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। इसके बाद आपको काइन मास्टर अप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद प्लस के आइकन पे क्लिक करना है, 9:16 का रेशियो सेलेक्ट कर लेना है। मीडिया पे आना है। इसके बाद आपने जो टिकटॉक से जो वीडियो को डाउनलोड किया था 6 से 7 वीडियो, उस वीडियो को सेलेक्ट कर लेना है। तो मैंने यहाँ पे वीडियो को 3 वीडियो को डाउनलोड किया था, आपको यहाँ पे 6 से 7 वीडियो को डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद आपको क्या करना है, सिंपल आपको कुछ पार्ट, सब में से आपको कुछ पार्ट चाहिए। वीडियो क्लियर पर क्लिक करना है, कैचे के निशान पर क्लिक करना है, स्पीड टू प्ले हिट कर देना है। इसके बाद इस वीडियो को भी सिंपल आपको करना क्या है, वीडियो क्लियर पर क्लिक करेंगे, कैचे के निशान पर क्लिक करेंगे, ट्रिम टू लेफ्ट कर देंगे, वीडियो क्लियर पर क्लिक करेंगे, आगे की तरफ लेके आएंगे, वीडियो क्लियर पर क्लिक करेंगे, कैचे के निशान पर क्लिक करेंगे, ट्रिम टू राइट कर देंगे। इस तरह से वीडियो को आपको जो भी पार्ट चाहिए इस तरह से पार्ट पर आपको निकाल लेना है। तो सिंपल मैं अब एक्स्ट्रा पार्ट को डिलीट कर देता हूँ। हाँ, लेयर पे आना है, मीडिया पे आना है। इसके बाद आपको क्या करना है, जो अपने ग्रीन स्क्रीन में वीडियो को शूट कर रखे हैं उस वीडियो को सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद डन करना है। इसके बाद वीडियो के लेयर पे क्लिक करना है और सिंपल आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिल जाएगा, क्रोमा की का, क्रोमा की को इनेबल कर क्लिक करना है और इसे आपको इनेबल कर देना है। इनेबल करने के बाद आपको क्या करना है, देखिए सही तरह से एडजस्ट नहीं हुआ है तो आपको इस तरह से आपको सही तरह से एडजस्ट आपको कर देना है। आपको बॉडी जो है आपको वाइट दिखना चाहिए, बाकी का पार्ट आपको ब्लैक दिखना चाहिए। इसके बाद डन करना है। डन करने के बाद इसे आपको क्लिक करना है, आईसो का आपको इस तरह से जूम आपको कर देना है और यहाँ पे आपको साइड में एडजस्ट आपको कर देना है। वीडियो में आपको साउंड ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, साउंड ऐड है लेकिन आपको करना क्या, सिंपल वीडियो पे क्लिक करेंगे, ओरिजिनल साउंड जितने भी है ओरिजिनल साउंड को आपको म्यूट कर देना है सारे वीडियो में। आप वीडियो जैसे ही आगे बढ़ेगा देख सकते हो ऑटोमेटिक ये चेंज हो रहा है। इसके बाद आपको क्या करना है, लेयर पे आना है, मीडिया पे आना है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो का लिंक मिल जाएगा, वीडियो को सेलेक्ट करना है, कैंसिल के निशान पे क्लिक करना है, स्ट्रैक्ट आइडियो कर देना है। इससे क्या होगा, वीडियो में जो भी आइडियो होगा आपको बाहर आ जाएगा। वीडियो पे क्लिक करना है, इसे आपको डिलीट कर देना है। वीडियो आपको यहाँ पे पूरी तरह से तैयार हो चुका है। शेयर पे क्लिक करना है, सेटिंग पे क्लिक करना है, आइडियो फेड आउट को ऑफ कर देना है। शेयर पे क्लिक करना है, HD 720p 30 सेलेक्ट करने के बाद वीडियो को एक्सपोर्ट कर देना है और आपको यहाँ पे वीडियो तैयार हो चुका है। और इस वीडियो को टिकटॉक के साउंड पे भी अपलोड आपको कर देना है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगा।